दुनिया उनके दिमाग का लोहा मानती है, उनकी याददाश्त कंप्यूटर को मात देती है, उनकी फिटनेस बड़े से बड़े एथलीटों के होश उड़ा देती है, बड़े से बड़ा आदमी उनके सामने घुटने टेक देता है। वो पिछले 60-70 सालों से अपने पेशे में नंबर एक बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं राम जेठमलानी की। राम जेठमलानी 92 साल के हो चुके हैं। देश के 5 सितारा होटलों से लेकर दूर दराज के गांव तक राम जेठमलानी के बारे में इतने किस्से और कहानियां मशहूर हैं कि कई उपन्यास लिखे जा सके। आपने उनके बारे में सुना बहुत है, लेकिन यकीन मानिए, देखेंगे पहली बार। अकबर रोड, आजकल देश के सबसे बड़े वकील का पता यही है। लुटियंस जोन में राम जेठमलानी को बताओ राज्यसभा सांसद यही बंगला अलॉट है। सुबह के 6 बजे हम बंगले में दाखिल हुए। राम जेठमलानी सो के उठ चुके हैं और ध्यान में हैं। थोड़ी देर में बाहर आ गए और फिर शुरू हुई दिनचर्या। सबसे पहले लॉन में रखी भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने ध्यान और फिर टहलते हुए दूसरे कोने में रखी साई की मूर्ति को प्रणाम। और अब समय है 92 साल की युवा राम जेठमलानी के व्यायाम का। खुली हवा में 20 मिनट जेठमलानी एक्सरसाइज करते हैं। इस दौरान वो महामृत्युंजय का 100 बार जाप करते हैं। और इसके बाद जो आप देखेंगे उसे देखकर बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी शर्मा जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए और लगातार सोचते रहिए कि इस बुजुर्ग युवा की उम्र 90 पार है। राम जेठमलानी वक्त के ऐसे पाबंद हैं कि घड़ी की सुई के साथ उनके शरीर की हरकत होती रहती है। जर्मनी के एक दार्शनिक थे कांट। उनके बारे में ये मशहूर है कि जब वो अपने घर से निकला करते थे तो पड़ोसी अपनी घड़ी मिलाया करते थे, यानी वो वक्त के इतने पाबंद थे। राम जेठमलानी के बारे में भी यही कहा जा सकता है। सुबह के 8 बजे हैं और उनका बैडमिंटन खेलने का वक्त हो चला। पिछले 75 वर्षों से राम जेठमलानी किसी बच्चे की तरह रोजाना इसी जोश से बैडमिंटन खेलने के लिए तैयार होते हैं और फिर हाथ में रैकेट लेकर निकल पड़ते हैं। लुटियंस जोन के सरकारी बंगले में राम जेठमलानी ने बैडमिंटन का शौक पूरा करने के लिए टेम्परेरी इंडोर कोर्ट बना रखा है, जहां तमाम नामी गिरामी हस्तियां बैडमिंटन खेलने आती हैं। सिंगल्स बंद कर दिया है 4-5 बरस से सिंगल्स नहीं खेलते। अब सिंगल्स नहीं खेलते? 4-5 साल से ना। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिक्का जमाने वाले एडवोकेट राम जेठमलानी का जलवा बैडमिंटन कोर्ट में भी कम नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचा हमने कि हम भी बैडमिंटन में हाथ आजमा लेते हैं। राम जेठमलानी हमारे सामने है। थोड़ी देर में कोर्ट से हट गए, लेकिन जेठमलानी जमे रहे। शटल गिर जाती तो खुद झुक कर उठाते। बिना चश्मा लगाए जजमेंट बिल्कुल निशाने पर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन एक घंटा सुबह राम जेठमलानी बैडमिंटन खेलना नहीं भूलते। 9 बज गए और अब स्नान करने का वक्त है। आधे घंटे बाद ठीक 9:30 बजे राम जेठमलानी पूरी तरह तैयार है और हम उनके साथ नाश्ते की मेज पर हाजिर हो गए।
राम जेठमलानी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि नाश्ते की मेज पर वो अच्छे मूड में होते हैं, लिहाजा मौके का फायदा उठाकर हमने गुफ्तगू शुरू की। सुबह 3 घंटे एक्सरसाइज स्पोर्ट्स के बाद राम जेठमलानी देश के नंबर 1 वकील अब कोर्ट के लिए तैयार हो रहे हैं और ब्रेकफास्ट की मेज पर हम लोग हैं। जेठमलानी साहब, 92 साल के आप हो गए, अब इसके आगे क्या? मैं एकाना विवरत आज खत्म कर रहा हूँ, परसों 92 शुरू होगा। एक तमन्ना रह गई है कि कुछ हिंदुस्तान को इससे अच्छा बना के जाए। बहुत नुकसान हुआ है देश का, खास तौर बहुत जो करप्शन हुआ है, देश को मुफलिस बना दिया है। लेकिन कई बार आप मतलब इस तरह का होता है, SIT भी बन गई मोदी जी के गवर्नमेंट में, कई बार होता है कि वो आ ही नहीं पाएगा, रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देयर इज नो होप। सब होगा, मुझे शर्म आता है इस बात को कहने का कि मोदी की सरकार में ब्लैक मनी के बारे में अच्छा काम नहीं हो रहा। अभी तो 100 दिन हुए वैसे। 100 दिन काफी है। हमने देखा सुबह सुबह, एक तो बड़ी अजीब चीज है सर, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो लाइफस्टाइल है, जो पब्लिक में लोग जानते हैं आपके बारे में, वो एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आदमी, लेकिन आज हमने देखा आप योगा करते हैं, आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, 100 महामृत्युंजय के जाप करते हैं, ये दोनों चीजें कैसे होती हैं? तभी तो मेरी तंदुरुस्ती ठीक रहती है। आपने साईं की पूजा की, हाथ जोड़ा, उनको लेकर के भी अलग अलग बातें होती रहती हैं। स्वरूपानंद सरस्वती का आपने सुना ही होगा, उनको मंदिरों से निकालो, ये करो। मैं लगभग एग्नोस्टिक हूं, सिर्फ मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता हूं। उसमें भी मूल माना जो है वो है कि ईश्वर मुझे अच्छी ताकत और तंदुरुस्ती दे, नहीं तो उठाओ। सर, बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि देश के छोटे छोटे गांवों में, दूर दराज के कस्बों में आपको लेके कितनी कहानियां हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। लोग बहुत सारे ख्याली पुलाव, उनको कोर्ट के बारे में कुछ समझ में आता है, कोई सपना देखते हैं तो उसमें आपका नाम जोड़ देते हैं कि एक बार कोर्ट में ऐसा हुआ, राम जेठमलानी खड़े हुए और ऐसा हो गया। कभी किससे ऐसे पहुंचे आप तक? स्वाभाविक है, ट्रुथ ऑलवेज गेट्स मिक्स्ड अप विद फिक्शन। उस दिन 3-4-5 दिन हुआ मेरे को, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो लॉ फर्म्स की यूनियन है और दूसरा जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है माधव मेनन, उन्होंने जॉइंटली में ये कन्फर्ड ऑन मी फर्स्ट जूरिस्ट अवार्ड विच दे हैव गिवन, आई गॉट इट। तो उसमें डॉक्टर मेनन ने अपने भाषण में कहा कि हम तो ये समझते हैं कि जेठमलानी साहब कभी किसी भी मुजरिम के लिए खड़े होते हैं वो केस जीत जाते। मैंने कहा कि भैया ये एक आपका भ्रम है, मेरे पास वो क्लाइंट्स आते हैं जो केस इज ऑलरेडी अ डेड कॉक्स, उसको मुर्दे को मेरे को कभी कभी उठाना पड़ता है, और मैं
10-20% केस में उस मुर्दे को जगाता हूँ, बाकी केस में हारता हूँ, मैं ज्यादा केस हारता हूँ। ये भी एक नई बात आपने बता दी कि ज्यादातर केस आप हार जाते हैं। नाश्ता खत्म हुआ और जेठमलानी के जूनियर्स हाजिर और देश के सबसे बड़े वकील का काफिला सुप्रीम कोर्ट रवाना हुआ। हम भी उनकी मर्सिडीज में सवार हो गए। राम जेठमलानी अब सुप्रीम कोर्ट के लिए घर से निकल चुके हैं और अब एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में है और पिछले 70 सालों से ये काम वो लगातार करते आ रहे हैं। सर, आपके बारे में एक कहावत या पता नहीं ये है कि आपको लॉ की डिग्री देने के लिए एक रेजोल्यूशन लाना पड़ा था, वो क्या हुआ था? मैं LLB का इम्तिहान जो होता है जी, वो मैंने 17 बरस की उम्र में पास किया था जी, क्योंकि तो मेरे को क्वाड्रुपल प्रमोशन थे कॉलेज स्कूल में। और जब भी मैंने सनद मांगी तो उन्होंने रूल बताया कि 21 बरस तक आप हो सकते नहीं, हो सकता है एनरोलमेंट। हाँ, 21 साल के पहले आप लॉ की डिग्री नहीं ले सकते? नहीं, लॉ की डिग्री ले सकते हैं मगर वकालत नहीं शुरू कर सकते। अच्छा, एनरोलमेंट की बात है, एनरोलमेंट अंडर द एक्ट। देन आई फॉट माय ओन केस इन द चीफ कोर्ट ऑफ सिंध एट द एज ऑफ 17। आई आर्ग्यूड माय ओन केस मायसेल्फ। पहला केस आपने अपना ही लड़ा? लड़ा और मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि ये जो रूल बना है ये तभी बना जब मैं लॉ कॉलेज में स्टूडेंट था, 21 वर्ष का रूल था ही नहीं। और मेरे माता पिता कॉलेज में नहीं भेजते लॉ कॉलेज में, अगर उनको मालूम होता तो मैं 4 बरस के लिए उनकी कोई भी सेवा नहीं कर पाऊँ। रिट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं लगा सकते मेरे के ऊपर जी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट किया आपने, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा मगर मैं जजमेंट नहीं देता हूँ। तो उन्होंने बार काउंसिल को कहा कि अपना रूल में तब्दील करो कि सूटेबल केसेस में आप एक्सेप्शन करें। तो उनको बार काउंसिल ने किया एक्सेप्शन रूल में, तो मेरे को कहा अभी तुम एक्सेप्शन के अंदर जाके अप्लाई करो। अपना किया मैंने, मेरे को तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट था बॉम्बे यूनिवर्सिटी, उनको सिंध को यूनिवर्सिटी नहीं था अपना, सिंध महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात देवर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी में मेरे को फर्स्ट क्लास फर्स्ट था LLB जी। सो दे हैड नो डिफिकल्टी, दे सेड यस वी विल हैव टू रिलैक्स द 21-year रूल, मगर फिर भी एक निकाला उन्होंने ऑब्स्टेकल, रुकावट ये थी कि 17 बरस में तो आप माइनर है, बालिक तो बनो कम से कम। देन आई वॉज एनरोल्ड, एक बरस के बाद जब मैं 18 बरस की उम्र थी तब। अच्छा, अब आखिरी सवाल, आप कोर्ट में आर्गुमेंट के लिए जा रहे हैं, यंग लोगों के लिए, युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो बेटा, मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि आपने हिसाब लगाया कि मैंने 72 साल वकालत किया, 74 साल नहीं बेटा 42 से, मतलब देश में कोई जज उतनी उम्र का नहीं है, सिटिंग जज 65 साल के हैं मैक्सिमम। मगर जो 17 और 18 का बरस था उसी बरस में भी मैं लॉ टीचर था और मैं लॉ टीचिंग आज तक नहीं छोड़ा है, मैं आज भी कॉलेजेस में जाके पढ़ाता हूँ और यही मेरी मेरी अचीवमेंट है कि माय स्टूडेंट्स लव मी एंड आई लव माय स्टूडेंट्स एंड दैट। राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो 3-4 बजे तक यही रहते हैं। राम जेठमलानी दोपहर का खाना नहीं खाते, शाम को जब घर पहुंचते हैं तो अगले दिन के केसेस की ब्रीफिंग लेते हैं और रात की पार्टी का क्या कहना, पूरे लुटियंस जोन में राम जेठमलानी की रात की पार्टी मशहूर है, यानी जज्बा जिंदा दिली और जोश में राम जेठमलानी किसी भी युवा को टक्कर देते हैं। तभी तो 92 साल के युवा राम जेठमलानी को सब सलाम करते हैं।